प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और छह मसीह की। आइए हम इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें और उसके नाम की स्तुति और महिमा और बड़ाई करें, क्योंकि आज मैं और आप जीवित हैं। पूरे रात भर संभाला परमेश्वर पिता ने और हम सभी को जीवित जगाया, इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि उसने हम सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया है और परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट की कि हम पापी ही थे कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर गया। मुझे और आपको बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया बलिदान होने के लिए, उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने दे दिया। उस कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कर दिया ताकि मैं और आप बच जाएं। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि आज मैं और आप जीवित हैं। धन्यवाद करें कि हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया। धन्यवाद करें कि आज मैं और आप जीवित जगाए गए। धन्यवाद करें कि हमारे अंदर श्वास चल रही है और हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही यही है कि आज मैं और आप जीवित हैं, भले चंगे हैं और स्वस्थ हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करें कि उसने अपनी जान को देकर मुझे और आपको बचा लिया। उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि अपने लहू को बहाकर मेरे और आपके पापों को धो दिया। धन्यवाद करें कि हमारे जो पाप थे, जो लाल खून के समान थे, उसने हमारे पापों को खत्म करके हमें हिम से भी ज्यादा श्वेत कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसने शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि आज मैं और आप जीवित हैं। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन आज मैं और आप जीवित हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि उसकी करुणा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। उसकी करुणा एक दिन के लिए नहीं, दो दिन के लिए नहीं, बल्कि सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है। धन्यवाद करें कि आज मैं और आप प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। बहुत से लोग आज प्रभु यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से अनजान हैं, लेकिन धन्यवाद करें कि आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के जन हैं, पिता परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करें मेरे प्रियो। और सचमुच में जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा और उनकी आशा कभी टूटेगी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपने किसी के ऊपर विश्वास किया हो सकता है आपने किसी के ऊपर आशा लगाई रखी हो और वो आशा टूट गई हो, भरोसा टूट गया हो, लेकिन यदि आप प्रभु परमेश्वर पर आशा लगाते हैं, यदि आप प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रभु परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा जीवित खुदा आपकी आशा टूटने नहीं देगा। एक मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, एक मनुष्य आपकी आशा को ठुकरा सकता है, आपके भरोसे को तोड़ सकता है, लेकिन मेरा जिंदा खुदा, जो मेरा पिता है, जो मेरा राजा है, जो मेरा अब्बा है, वो आपके भरोसे को, आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। इसलिए दाऊद पूरे विश्वास के साथ कह सका कि हे मेरे मन, तू चुपचाप रहे परमेश्वर के सामने, चुपचाप रहे। किसके सामने? परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा तो उसी से है। हे मेरे मन, तू अंदर ही अंदर क्यों घबरा रहा है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, परमेश्वर पर भरोसा लगाए रख, क्योंकि वो तेरी ताकत है, वो तेरा बल है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जिसके अंदर जो विश्वास है, पिता के प्रति जो आशा है, जो भरोसा है, वही आशा और भरोसा आपके विश्वास को मजबूत करता है। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद कहता है सचमुच में मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच में वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, और मैं कभी डिगूंगा नहीं, मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा, मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि मेरी आशा, मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर पिता है। यदि आज आप किसी से धोखा खाए हैं, यदि आप किसी के द्वारा ठुकराए गए हैं, या आपकी आशा टूट चुकी है, आपका भरोसा टूट चुका है, तो आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वेलकम करता हूं। आज इस प्रार्थना में आपको मैं इनवाइट करता हूं, और जो विश्वास के साथ आज मेरे साथ प्रार्थना करेगा, प्रभु उसकी आशा को फिर कभी टूटने नहीं देगा, उसको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करते हैं, और यदि आपके अंदर विश्वास है, जो आज मैंने आपके लिए जो वचन पढ़ा है भजन संहिता 62 का, वो आपके ऊपर आशीषित हो जाएगा, आपके ऊपर लागू हो जाएगा, बस आप विश्वास कीजिए मेरे प्रियो। क्योंकि दाऊद कहता मैं सचमुच में परमेश्वर पर आशा लगाए हूं, भरोसा लगाए हूं, और वो मेरी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। मेरी आशा, मेरा भरोसा उसमें है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा छिपने का स्थान है। मेरे प्रियो, आपके अंदर भी यही विश्वास आना चाहिए। यदि आप आज विश्वास के साथ मेरे द्वारा या मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। हो सकता है आज आप टूट चुके होंगे, लेकिन आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में इनवाइट करता हूं, आप टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, बल्कि आपकी आशा, आपका भरोसा, आपका विश्वास मजबूत आज हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पवित्र आत्मा में भरकर, पवित्रता में शोभायमान होकर धन्यवाद करें। खामा बाबा रश खना ला रबा रबा ना ला रबा ला रदा दा दा बाबा बाबा रश खना ला रा रबा। मेरे प्रभु यहोवा, आज जितने भी तेरे करीब हैं, उन सारे मेरे प्रियों को तेरे पास लाता हूँ, और जिनकी जो आशा टूट गई है, जो भरोसा टूट गया है, आज के बाद फिर कभी उनकी आशा टूटने ना पाए, आज के बाद फिर कभी उनकी आशा टूटने ना पाए। प्रभु यहोवा उन्हें तू हिम्मत दे, प्रभु यहोवा तू उन्हें आशीषित कर, प्रभु यहोवा तू उन्हें अभिषेक से भर, प्रभु यहोवा तू उन्हें अपनी सामर्थ से भर। खामा बाबा रा शिखाना ला रा 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 बाबा रबा ना ला रा थी ना ला रा 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 बाबा रा शिखाना ला रा रबा ना ला रा थी। यीशु मसीह आप आशीषित कर, और आज उनकी आशा, उनका भरोसा कभी टूटने ना पाए, और पिता परमेश्वर वो विश्वास के साथ आगे बढ़े, प्राप्त नाव में आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से। और जो जिन बातों में उनकी आशा टूट गई है, जिन बातों में उनका भरोसा टूट गया, प्रभु उन्हीं बातों में, उन्हीं चीजों में, उन्हीं कार्यों में, प्रभु आज के बाद उनका फिर आशा टूटने ना पाए। पिता परमेश्वर, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपसे सब कुछ संभव है। इसलिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए, कर्ज खत्म हो जाए, मुसीबतें खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ पिता, जो पानी की जो आशा टूट गई है, बिजनेस पाने की जो आशा टूट गई है, चंगाई पाने की जो आशा टूट गई है, प्रभु आज यीशु के नाम से उस आशा को जगा दीजिए, जीवित कर दीजिए। ओ यीशु के नाम में वो चंगाई पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो छुटकारा पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जॉब पाए और बिजनेस में सफलताएं प्राप्त करे। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, और उनके जीवन की सारी समस्याएं, उनके जीवन की सारी तकलीफें, उनके जीवन की सारी मुसीबतें खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आशीषित कर,
आशीषित कर, आशीषित कर खामा बा 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 रा शिखा नला रा 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 बा 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 रा बा नला रा थी नला रा 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 बा बा बा। मेरे खुदा जो भी कारोबार है, छोटा बड़ा जो भी कारोबार बिजनेस जो भी है प्रभु, उनको बढ़ाइए प्रभु। प्रतिदिन परमेश्वर सफलताएं प्राप्त करे, और जिन्होंने एग्जाम इंटरव्यू दिया है और बार बार असफल हो रहे हैं प्रभु, उनको सफलताएं दीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनका सिलेक्शन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। राबा शंदा राबा नला रा थी नला रा बाला रा दबा, यीशु मसीह के नाम से सफलताएं दीजिए और सब प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए। देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे मेरे प्रभु, और आशीष दे किसान भाई बहनों को, आशीष दे उनकी फसलों को, उनके पशुओं को, उनकी भूमि को आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। टोपर कीजिए और पिता परमेश्वर सब लोगों से स्थान में ऊंचे होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्टूडेंट्स को टोपर कीजिए, पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा से भर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जितने भी आज पिता परमेश्वर बीमारी की हालत में उन्हें उठाकर खड़ा कर चंगाई दे मेरे प्रभु। जो बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से वो बीमारी खत्म हो जाए। चंगाई पाने की जो आशा टूट गई प्रभु, आज यीशु के नाम में वो चंगाई को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, और प्रभु यीशु के नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। ओ बड़ी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो आज यीशु के नाम से खत्म हो जाएगी। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आज जितने भी निसंतान है प्रभु, जो संतान पाने की जो आशा टूट गई है प्रभु यीशु के नाम से उस आशा को आप जीवित कर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। वो आशा टूटने ना पाए, आज के बाद फिर कभी उनकी आशा टूटने ना पाए प्रभु यीशु के नाम से। उन्हें औलाद दे प्रभु, औलाद दे मेरे यीशु, औलाद दे, वंश दे, आशीष दे। तेरे बेटा और बेटियों को ब्लेस कीजिए। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और समय परमेश्वर उनका नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके पास बेबी होने के लिए प्रार्थना करता हूं। आशीष दे, उनकी आशा ना टूटने पाए, भरोसा ना टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिन घर परिवार में लोग लड़ाई झगड़ा नशा करते हैं, पाप बुराई अपराध में फंसे हैं, पति पत्नी अलग अलग हैं, बच्चे पेरेंट्स के बीच में सही से रिश्ता नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे। जो दूरियां है प्रभु पति पत्नी के बीच की, वो दूरियां समाप्त हो जाए। एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे, और एक संग मिलकर प्रभु आपकी आराधना करे। बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो दूरियां है, जो लड़ाई झगड़े है, यीशु के नाम से वो भी दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे अपने मम्मी पापा का आदर करे, और मम्मी पापा भी अपने बच्चों का आदर करे, और बच्चे गलत संगति को छोड़कर आपकी संगति करने वाले बन जाए प्रभु यीशु के नाम से। नशा को छोड़कर, पाप बुराई को छोड़कर प्रभु आपके मार्ग पर चलने वाले बने। और जो जवान गलत संगति में, उसकी गलत संगति छूट जाए, और यदि वो शादी लायक है तो प्रभु यीशु के नाम में उसका विवाह होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, ताकि उसकी गलत संगति छूट जाए, पाप बुराई अपराध छूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। घर परिवार में से जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियां खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो आजाद कर दे प्रभु, घर परिवार में शांति दे, घर परिवार में तसल्ली दे, घर परिवार में ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। एक बार फिर से जितने भी बीमारी के हालत में उन्हें चंगाई दीजिए, जितने भी कर्ज में उनको कर्ज खत्म कीजिए, उनकी चिंताओं को खत्म कीजिए। जॉब में प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते, बिजनेस में बढ़ोतरी होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। घर परिवार को आशीष दे, जिनका अभी तक घर नहीं बना है पिता परमेश्वर, उसके लिए पैसा कौड़ी का प्रबंध कीजिए, व्यवस्थाएं कीजिए। तेरे दासों को हिम्मत दे प्रभु, याद दे प्रभु, और तेरी सेवकाई करने के लिए मदद कर प्रभु। जो गांव में रहकर, झोपड़ियों में रहकर, नगरों में रहकर, जंगलों में रहकर जो सेवा करते हैं प्रभु, उन दासों को हिम्मत दे, याद दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आपकी सेवकाई में ऊंचा उठा, उनकी आशा, उनका भरोसा, उनका विश्वास मजबूत होता जाए, और आपके वचन का प्रचार करते जाए। और जितने भी तेरे दास, तेरे लोग जितने भी सताए जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, पंचायतों में हैं प्रभु, उन्हें इस्तेमाल कीजिए और उन्हें ब्लेस कीजिए। और भारत के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में आपका वचन फैलाने पाए यीशु मसीह के नाम से। एक बार फिर से पिता परमेश्वर सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, पति पत्नी के द्वारा और पति पत्नी के द्वारा बचा लिया जाए। दोनों पति पत्नी पिता परमेश्वर प्रेम में रहे, और एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे प्रभु यीशु के नाम से। घर परिवार में से लड़ाई झगड़े, पाप बुराई अपराध खत्म हो जाए प्रभु। जिनकी आशा टूट चुकी है, उनकी आशा फिर से जीवित हो जाए,
और फिर कभी उनकी आशा टूटने ना पाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते। तूने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं, आमेन। जिन्होंने खुदा के ऊपर भरोसा किया उन्होंने परमेश्वर पिता का विश्वास पाया और उनकी कभी आशा टूटने ना पाएगी। मेरे प्रिय, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही आने वाली प्रार्थनाएं आपके बीच में आती रहे और हम सब मिलकर, भाई बहन मिलकर प्रभु की महिमा करें, सेवा करें। आप हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ सकते हैं सुबह 6:30 बजे और शाम को 8 बजे और हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को फैला सकें और उसका झंडा हर जगह खड़ा कर सकें। प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह की।